दोस्तों, आईटी स्पोर्ट की इस न्यू वीडियो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका फ्रेंड जितेंद्र। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ, वो है फेसबुक। अब फेसबुक पेज के बारे में हम बात करेंगे। तो फेसबुक पेज के बारे में बात करने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक ने काफ़ी तरह की ऑप्शनें दी हुई हैं, जिन ऑप्शनों में आप पेज के हिसाब से उसका टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप वेबसाइट का टेम्पलेट देखते हैं कि ये वेबसाइट किस सर्विस की है, या प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है, या किस तरह की वेबसाइट है, उसके हिसाब से आप टेम्पलेट सेट करते हैं। टेम्पलेट के हिसाब से वो वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है। उसी तरह आप फेसबुक का पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं टेम्पलेट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपना मनपसंद टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज के लिए। तो सबसे पहले हम जैसे कि हमेशा आप सबसे बात करता हूँ कि आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब चलिए अपने फेसबुक पेज के ऊपर, जो भी आपने अपना फेसबुक पेज बनाया, जैसे कि हमारा आईटी स्पोर्ट हिंदी का फेसबुक पेज है, तो इसके हिसाब से हमने टेम्पलेट आज चूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैं टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है। मेरी जो ज़्यादातर होता है वो वीडियो बेस है, तो मेरा जो टेम्पलेट है वो वीडियो बेस होना चाहिए कि जब भी कोई मेरे पेज पे आए तो उसे ऐसे लगे कि हाँ, ये एक यूट्यूब चैनल है और इसके ऊपर सारी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी सर्विस, प्रोडक्ट बेस है, बिजनेस बेस है, उसको ध्यान से रखते हुए तो आपने अपना जो टेम्पलेट है उसे चूज़ करना है। देखिए फ्रेंड, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने का टेम्पलेट एंड टैब की ऑप्शन आ गई है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ देखा होगा कि टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद इस कर्सर को हल्का सा नीचे करना है। जैसे कि मेरा जो चैनल है वो वीडियो बेस्ड चैनल है, तो मैंने यहाँ पे अपना वीडियो का चूज़ किया हुआ है कि मैं वीडियो ही चूज़ करी है मैंने, कि मैं वीडियो ही ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मूवी बेस है, अगर आप मूवी क्लिप वगैरह बनाते हैं तो मूवी बेस, अगर शॉपिंग बेस है तो शॉपिंग बेस हो, या हर तरह के आपका टेम्पलेट मिल जाएगा। बिजनेस पेज, रेवेन्यू पेज, पॉलिटिकल, सर्विस बेस, कुछ भी हो आप यहाँ से अपना चूज़ कीजिए और टेम्पलेट को अपना सेट कर लीजिए, वो वैसे ही सेट हो जाएगा। अब शॉपिंग पेज के ऊपर जाके मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाना चाहता हूँ कि शॉपिंग बेस कैसा होगा। तो फ्रेंड, आप इसे थोड़ा सा नीचे करें कर्सर को, पहले तो वो सेटिंग इस तरह कर देगा जो फ्रंट पेज की सेटिंग है, साथ ही साथ वो टैब टैब की सेटिंग इस तरह कर देगा कि जो चीज़ आपकी मेन है वो ऊपर कर देगा, बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे। ये आपको बता रहा है कि वो क्या क्या सेट करेगा, वो कैसे सेट करेगा। इससे ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग व्यू होगा, जब भी कोई आपके पेज पे जाएगा उसे स्टार्टिंग व्यू बहुत अच्छा लगेगा, वो एक इंप्रेशन लगेगा कि क्यों। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि बंदे की फर्स्ट सोच क्या है और वो क्या सोच रहा है, तो वो सीधा ही टेम्पलेट पे जाके क्या चीज़ देखना चाहता है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।